हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। कैसे हो आप सब? आज आप लोगों के साथ एक सीटीएम की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप ये देखो, वीएलसीसी का क्लिंजर यूज किया है मैंने। दोस्तों, आपको इस तरह से फेस क्लीन करना है सिर्फ 2 मिनट। सीटीएम का मतलब होता है क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड किया है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके फेस में ज़्यादा टैनिंग हो रही है या बहुत टाइम से आपने फेस क्लीन नहीं किया है, तो आपको स्क्रब भी यूज कर लेना चाहिए। मैंने क्लीन अप के सॉरी क्लिंजर के बाद स्क्रब यूज किया है, और उसके बाद टोनर यूज किया है, उसके बाद मॉइस्चराइजर की जगह मैंने आज कुछ और यूज किया है, मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। तो अब देखो, आपको इस तरह से फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्लिंजर हनी वाला यूज करिए। मैंने ये यूज किया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, और उसको बहुत अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन करना है। ये मेरे फेस पे जो रेडनेस है, ये किसी और वजह से है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों है। तो ये देखो, मैंने क्लियर फेस का स्क्रब यूज किया है। स्क्रब बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना चाहिए, 2 मिनट कर लो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो 2 मिनट से भी कम ही यूज करो, और बहुत लाइट हाथ यूज करना चाहिए। पानी या रोज वाटर का आप यूज जरूर करो स्क्रब से मसाज करते टाइम, क्योंकि तब आपका हाथ ना बहुत अच्छे से चलता है मसाज में, और अच्छे से मसाज हो जाता है। और आपको पानी लेना चाहिए, आप चाहे तो रोज वाटर भी ले सकते हो। मैंने इसमें स्किन सीक्रेट का रोज वाटर यूज किया है। आपको भी इस तरह से मसाज करना है, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और आपको ये हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। सीटीएम तो आप रोज कर सकते हो, बट स्क्रब आप हफ्ते में 2 बार जरूर कर लेना। स्क्रब के साथ साथ मैंने बहुत अच्छे से स्टीम भी लिया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोज स्टीम ले सकते हो तो रोज ले लो, आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे आपके फेस पे बिल्कुल भी टैनिंग नहीं बैठेगी, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा स्टीम लेने से। और अगर आप स्क्रब के साथ लेते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फेशियल कराने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखो, मैंने इस तरह से स्टीम लिया है 2 से 3 मिनट। उसके बाद स्क्रब को बहुत अच्छे से आपको क्लीन कर देना है टिश्यू से। आप चाहे तो फेस वॉश भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टिश्यू से क्लीन करवाया था। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको फेस क्लीन इस तरह से करना चाहिए। सिर्फ फेस वॉश से करने से आपका फेस बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। तो अब आप देखो, एक बार फिर से टोनर यूज किया है मैंने, और इसके बाद मैंने ये नेचर्स एसेंस का मैंने फेशियल सीरम यूज किया है। आपको फेशियल सीरम लगाने से क्या होता है, आपके फेस बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, और आपके ओपन पोर्स भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसे सील करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप स्टीम लेते हो तो ओपन पोर्स खुल जाते हैं। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको सीरम लगाने के बाद फेस वॉश यूज नहीं करना है, इसको एज इट इज फेस पे छोड़ देना है। ये अपने आप स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख सकते हो फेस कितना अच्छे से क्लीन हो गया। और ये जो रेडनेस है ना, मैंने थ्रेड करवाया था, फोरहेड करवाया था, इसलिए इस तरह से रेडनेस है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।